दो दशक पुराने काला हिरण शिकार मामले में शनिवार को सलमान खान को जमानत मिल गई। सलमान को काला हिरण शिकार में दोषी ठहराते हुए जोधपुर कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद सलमान 2 दिन जेल में रहे। इस दौरान सलमान के साथ उनकी दोनों बहनें अर्पिता और अलवीरा हर मौके पर साथ दिखाई दी। लेकिन इस बीच सबसे खास बात ये रही कि सलमान के दोनों भाई अरबाज खान और सोहेल खान कहीं नजर नहीं आए। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि सलमान के ये दोनों भाई आखिर कहाँ थे। आपको बता दें कि सलमान अपने भाइयों की हर परेशानियों में उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन सलमान खान का इस मुश्किल घड़ी में उनके दोनों भाइयों का नदारद होना कई सवाल खड़े करता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान की इस कठिन घड़ी में जहां बहनें अलवीरा और अर्पिता उनके साथ जोधपुर पहुंची और कोर्ट में खड़ी रहीं, तो वहीं उनके भाई अरबाज और सोहेल खान मुंबई में ही थे। सलमान को सजा होने के बाद मुंबई स्थित उनके घर में पिता सलीम खान से मिलने के लिए आने वाले तमाम लोगों का तांता लगा था। इस दौरान अरबाज खान की कथित गर्लफ्रेंड येलो मेहरा वहां पहुंची थी। सोहेल की पत्नी और बच्चे भी वहां पहुंचे थे। खबरों के मुताबिक जब येलो मेहरा सलमान के घर गैलेक्सी में थी, तब उनसे मिलने अरबाज खान भी वहां पहुंचे थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड भी किया था। आपको बता दें कि अरबाज की गर्लफ्रेंड येलो मॉडल और शेफ हैं। वो पिछले 2 साल से अरबाज की करीबी दोस्त हैं। 2 दिन जेल में गुजारने के बाद आखिरकार सलमान को शनिवार को 50,000 रुपए पर जमानत मिल गई। पहले ऐसा लग रहा था कि सलमान को शनिवार को भी बेल नहीं मिलेगी, क्योंकि शुक्रवार को ही जमानत मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। शनिवार को भी जमानत पर संशय कायम था। लंच के बाद 3 बजे जज ने सलमान को जमानत दी, लेकिन सलमान की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं। सलमान को अब 7 मई को कोर्ट में पेश होना होगा।